हमारे मीडिया से आए हुए हैं। जो फर्स्ट सवाल आप किए उसके लिए थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। और एक्टर हूँ, थोड़ा सा मजाक करने का हक मुझे भी बनता है। सॉरी, रानी जी के साथ है हम 5 साल के बाद गाना कर रहा बानी। और एक तो इतने दिन बाद हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। मैंने डायरेक्टर से बोला था कि अगर साथ में काम कर रहे हैं इतने दिन बाद तो एक रोमांटिक गाना करवाना चाहिए था। तो आप लोग, मैं अपने एटीट्यूड में हूँ और ये अपने एटीट्यूड में है, लेकिन फिर भी रानी जी बहुत अच्छा कलाकार है, भोजपुरी के सबसे बड़ एक्ट्रेस है और बहुत बढ़िया नेचर है इनका। मुझे बहुत आज अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। रानी जी आप बताइए, 5 साल बाद पवन जी के साथ कर रही हैं एक बार फिर से गाना, क्या कहते हैं, एक्साइटेड हैं? डेफिनेटली मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। हमने पहले भी हिट्स दिए हुए हैं और हमारी ऑडियंस भी चाहती थी कि हम साथ में वापस काम करें। और आई होप कि ये जब गाना लोग देखेंगे तो लोगों को अच्छा लगेगा। रानी जी, फिल्म में आप एक स्पेशल सॉन्ग ही कर रहे हो, बाकी फिल्म में पवन जी और मोनालिसा है, कैसे इस गाने के लिए आपकी कास्टिंग हुई, कैसे आप तैयार हुए? एक्चुअली बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, बस मुझे एक फ़ोन आया प्रदीप जी का और उन्होंने कहा एक गाना करना है। और मैंने पूछा किसके साथ ही, कहा पवन जी के साथ, मैंने कहा ओके ओके बस। और कुछ मुझे नहीं लगता ज़्यादा मुश्किल से कास्टिंग हुई, सिंपली हो गया। पवन जी, रानी जी ने जैसा कहा कि फोन आया और उसके बाद वो तैयार हो गई, रानी से स्पेशल सॉन्ग करवाने की फरमाइश कहाँ से आई, आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया जिसका ये नाम ली, प्रदीप जी बड़े भैया हैं और वो भी इस फिल्म में जुड़े हैं, और उनका ही फोन आया कि भाई जी भैया मैं चाह रहा हूँ कि इस फिल्म में रानी जी ये गाना करें और आप दोनों एक साथ काम करें। मैंने बोला ठीक है, एकदम ऐसे बड़ और खुशी के बाद क्या हो सकेगा हम दोनों कलाकार के लिए। रानी जी थोड़े देर पहले हम कहानी है कि बहुत अच्छे नेचर के हैं, रानी जी हमारे दोस्त है और बहुत अच्छा लग रहा है काम करके। पवन जी, सरकार राज की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, फिल्म की शूट ऑलमोस्ट, मुझे बताया गया, धीरेन्द्र जी ने बताया कि फिल्म की शूट ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, कैसी फिल्म है और क्या किरदार निभा रहे हैं पवन सिंह इसमें? मैं क्या बोले हूँ, ये एक्शन और रोमांटिक फिल्म बा, और क्या है कि अपने श्रोता के दुलार प्यार से आदमी हर रोज काम करेला, हर रोज काम करता है, और इसकी शूटिंग थोड़ा सा बीच में गैप हो गई और बहुत दिनों के बाद हम आज पहली बार ही सेट पे आ रहे हैं। आप लोग वीडियो कर रहे हैं तो सुन रहे होंगे कि गाना हम नहीं गाए हैं, जो म्यूजिक दिए हैं मधुकर जी वही गाए हैं। इसको हम बाद में गाएंगे, तो थोड़ा सा अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ क्योंकि बहुत सारी फिल्में किया बीच में। आज सिर्फ यही सवाल होना चाहिए कि हम और रानी जी एक साथ काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, इसका ही जवाब लीजिए। रानी जी, आपको नहीं लगता कि 4-5 साल आप लोगों का एक साथ फिल्में ना करना इस इंडस्ट्री के लिए भी बड़ा नुकसान है, खासकर आपके उन तमाम फैंस के लिए, आप दोनों के फैंस के लिए? मैं वैसे भी पास्ट की कोई बात नहीं करना चाहती, हर चीज का एक समय होता है, वो अलग समय था, आज एक समय है जब हम साथ में खड़े हैं और हम साथ में गाना कर रहे हैं, और यू नो बहुत टाइम बाद जब हम लोग आ रहे हैं तो हमारी जोड़ी आज भी फ्रेश लगेगी लोगों को और लोग इंजॉय करेंगे हम दोनों को देख के। रानी जी, 5 साल पहले जब आप फिल्में करते थे तब के पवन सिंह और आज के पवन सिंह, क्या आपको मेजर फर्क नजर आता है? मुझे बहुत सारे फर्क नजर आते हैं। लुक वाइज बहुत चेंज हो गए हैं, मतलब ज्यादा हैंडसम हो गए हैं, हैंडसम पहले से थे, अब ज्यादा और सुना ना, भोजपुरी में बोला ना। अच्छा, तो हम भोजपुरी में कहा कि पहले ही बहुत हैंडसम नियर हुआ, आज और ज्यादा हो गए ना, अरे डरे कर। और हम चाह कि हमेशा ऐसे ही हैंडसम रहे। और जी, आने वाले वक्त में अब आप लोगों की और भी फिल्में एक साथ ऑडियंस देख पाएंगे? जरूर, इतना अच्छा गाना से आज सरकार राज फिल्म में हमने के एक साथ ही काम करके शुरुआत करनी जा और आगे भी बहुत अच्छा अच्छा काम करब जा, जेके हमारे श्रोता पसंद करेंगे। ऑफर्स आए हैं पहले भी हमें साथ में काम करने के, कई स्क्रिप्ट्स आए
हो नहीं पाया और मुझे लगा कि क्यों नहीं गाने नहीं पाया इसलिए कि थोड़ा सा फुटेज खाने की इनमें थोड़ा आदत है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं चाहती थी कि ऐसा धमाका हो अचानक से, अचानक से हुआ, अचानक से गाना आया और गाने की लाइनें बहुत अच्छी हैं। आई एम सो हैप्पी कि गाना बहुत अच्छा है। आज हम कहीं भी मंच पे जाएगा तो एक लाइन मंच पे जरूर गाएगा, क्यों हमसे पूछेगा कि अपन फेवरेट गाना सुनाए, तो एक गाना फेवरेट गाना हमारा जितना बा वो में से एक गाना हम जरूर गाएगा आज भी। बिल्कुल। एक फिल्म हमारा आई है इनके साथ थे, जब केहू दिल में समा जाना, तो प्रमोशन करने हम पटना गए थे, आज भी वो समय हमको याद है कि मैं अपने मुंह से कभी लड़की नहीं बोलता हूँ, जो मुझे पैसा लगा के मुझे देखता है उसके लिए भाई चाचा और माई बहन ही मेरे मुंह से निकलता है, बाकी किसके मन में क्या है ये ऊपर वाले जानते हैं। सारी गर्ल्स बेचारी मर जाएंगी, हमें भी कुछ तो बोल दो। फिर भी एक लड़की आई थी और 500 के नोट पे कहली कि ऑटोग्राफ चाहिए, मैंने बोला कि पैसा मैं साइन नहीं करता, तो हाथ पे कर दीजिए, जैसे हाथ पे मैं पवन सिंह सिंह लिखा ह पूरा हुआ कि उसने एक चुम्मा लिखी और भाग गई। मैंने बोला अरे यार ये क्या हो गया, उस टाइम बड़ा हम शर्मात रहे, हमके बहुत लाज लगत रहे, तो गाना हम गावत रहे, सॉरी ये सब हम बात बतौनी है, अच्छा है ना पब्लिक को पता करे नही काम कौन सुई दवाई नजरिए से सब कुछ कहा जाला जब के हो दिल में समा जाला जब के हो दिल में समा जाला। क्रेडिट गाना हमारा मेरा भी। आज सरकार राज के लिए शुभकामनाएं सर, आप लोग कुछ अपने ऑडियंस से अगर कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। हम बस इतने कहत आई बानी और यही जिंदगी भर बोलूंगा जब तक इस शरीर में जान है कि जो बचपन से लेके आज तक हमको या कोई भी कलाकार के हम हो के चाहे रानी जी चाहे क्यों भी कलाकार हो के जेके शुरू से जितना प्यार मिला आइल बा और आज के डेट में प्यार बढ़ते जाता और आगे प्यार और बढ़ते जाए और हम लोग ऐसे ही मेहनत करते जाएंगे। बोला ना सबके बोलनी हम तो हरे के हमारे नहीं क्यों बोला सबके बोला थे सबके आशीर्वाद मिले और हम सब कलाकार एकदम दिल से और भी मेहनत करेंगे। रानी जी पवन जी की खास कुछ बातें बताइए। 5 साल बाद तो मिली होंगी। तो 5 साल बाद आप कितना मिस किए इनको? ऐसा नहीं है कि हम लोग बात नहीं करते थे, हम लोग तो हमेशा से एक दूसरे के कलीग। अच्छा सिर्फ पब्लिक को नहीं मालूम था, फिल्में नहीं आ रही थी हमारी, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी हमारी मुलाकात हुई है हम लोग काफी अच्छे से मिले। क्यों हाय कैसे ठीक है ना? वैसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल ही बहुत अच्छे एक्टर हैं, मैंने मिस किया कि मुझे काम करना चाहिए इसलिए मैं कर रही हूँ आज गाना कर रही हूँ, आगे हम लोग और काम करेंगे और होप सो मुझे आज आज गाना करत है काल हमने के रोमांटिक सीन करब जा एक दूसरे से बोलब जा का हो कैसन वर्ड ठीक वर्ड ना अच्छा आई लव यू ना कहो आई लव यू लड़के को बोलना चाहिए ठीक।